Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery, a tribute to the dedication, hard work, and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower. Mission control engines. Space shuttle now rolls over onto its back for the 8.5-minute ride into orbit. Discovery now making one last reach for the stars. चंद्रयान 1 ने सन 2008 में चांद पर पानी होने के सबूत दिए हैं, इसलिए चांद पर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है। वर्तमान में चांद पर चंद्रयान 3 और लूना 25 जैसे आधुनिक अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। चंद्रयान 3 भारत का बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इसका लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा और वहाँ पर 14 दिनों तक प्रयोग करेगा। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। लूना 25 रूस का इम्पोर्टेंट मिशन है जो 21 या 22 अगस्त को चांद पर उतरेगा और यह भी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों मिशन के द्वारा चांद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएगी। हम ब्रह्मांड के बहुत ही छोटे हिस्से पृथ्वी पर रहते हैं। चांद पृथ्वी का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। चांद पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। पृथ्वी पर आने वाले ज्वार और भाटा भी चांद की ग्रेविटी के कारण आते हैं। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। हमें पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही फेस दिखाई देता है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जिससे इस पर गिरने वाले एस्टेरॉयड के कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और ये गड्ढे कभी नहीं भर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई मौसम नहीं है। अगर आप चांद की तस्वीरें ध्यान से देखेंगे तो आएंगे कि इस पर बहुत से गड्ढे बने हुए हैं। चांद पर लगभग 14,00,000 गड्ढे हैं। इनमें से बहुत से गड्ढे 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरे हैं। कुछ सालों पहले चांद पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोजा गया था जो लगभग 290 किलोमीटर गहरा है। चांद पर दिन के समय बहुत तेज गर्मी पड़ती है और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है, जबकि रात के समय वहां बहुत तेज ठंड पड़ती है और तापमान -180 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है।